हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक मैच में। तो आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है दिसंबर में, उसके रीजनिंग के पार्ट्स को कुछ करेंगे। और रीजनिंग के पार्ट में आपका आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ किस तरह के पेपर आएंगे। तो यहाँ पे अब ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग ये 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो अब ये 20 मार्क्स में आपका करीब रीजनिंग करीब 10 से 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। अब जिसमें अब उस रीजनिंग के पार्ट में ये एक टॉपिक था नंबर सीरीज। तो आज हम नंबर सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट ऑयल इंडिया के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब मीन्स आपका जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन में ये आपका है, ये दो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसमें क्या होगा इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो अब देखोगे दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो सीरीज दिया हुआ है 17, 14, 15, 12, 13 देन क्वेश्चन मार्क अगेन क्वेश्चन मार्क। अब ये दो क्वेश्चन मार्क है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि ये 17 है, देन 15। अच्छे, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 17, 14, 15, 12, 13, ये दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 17 से 14 अगर करें डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में आपको करना क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज, यानी एक को छोड़ के दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे, यानी 15 को ये 17 को कंपेयर करेंगे 15 के साथ एक को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद फिर एक को गैपिंग करेंगे फिर नेक्स्ट यानी ये इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये एक छोड़ के फिर ये जो आंसर होगा यहाँ से हमारा होगा। ठीक है, तो अब गैपिंग देख लेंगे। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस ये क्या हो रहा है, तो ये गैपिंग कितने का हो रहा है, 17 से 2 माइनस हो रहा है, माइनस 2, यानी 17 माइनस 2 करोगे तो 15 मिला। देन 15 से अगेन माइनस 2 करते हैं, 15 माइनस 2 करोगे तो 13 मिला। तो हमारा सीरीज क्या चल रहा है, माइनस 2 का चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, अब ये माइनस 2 ही होगा। तो माइनस 2 करेंगे, 13 माइनस 2 करोगे तो ये हो गया आपका 11, यानी ये लास्ट वाला जो होगा 11 होगा। ठीक है, अच्छे, अब और आपके पास और एक बच गया ना, ये 14, यहाँ और एक बचा कौन सा, ये हो गया आपका 14, देन 12 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि अब ये इस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो हाँ, यहाँ भी ये 14 था तो ये 12 यानी माइनस 2 ही हो रहा है। तो अगेन आपका क्या होगा, माइनस 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखोगे माइनस 2 करके जा रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस 2 एंड देन अगेन इसके लिए होगा माइनस 2। तो 12 से 2 गया तो यानी क्या होगा आपका 10, तो इसके प्लेस में 10। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 एंड देन 11। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 2, 1, 1/2, 1/4 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पहला नंबर है आपका यहाँ 2, अब ये 2 से अब ये 1 कैसे हुआ, ये आपको फाइंड करना है ना। देन 1 से फिर 1/2 कैसे हुआ, उसके बाद आपका 1/4 कैसे आया, फिर हम जिस प्रोसेस से आ रहा है उसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखोगे 2 का ये क्या है, 1 हाफ है, यानी अगर 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये 1 मिला है ना, ये 1, अगेन 1 को अगेन 2 से ही डिवाइड कर दे तो ये क्या होगा 1/2 जो कि है यहाँ पे, अगेन 1/2 को 1/2 को फिर 2 से ही डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा 1/4। ठीक है, 2 2 जा 4। तो अब नेक्स्ट वाला फिर क्या होगा, फिर अगेन 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 × 2 ये हो गया आपका 1/4 2 जा 8। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो इसी तरह से क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आपका जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको नंबर सीरीज़ के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 7, 10, 8, 11, 9, 12 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि ये जो है सेवन, अब ये सेवन से टेन कैसे हुआ, तो यानी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से देखोगे डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज। तो जब भी आपको मिले कि इंक्रीज डिक्रीज, तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में ही आपको वहाँ पे क्या लेना होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़ के दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो यानी इसका कंपेयर जो हम लोग करेंगे एक को छोड़ के इसके साथ, सेवन एट, फिर एक को छोड़ के इसके साथ सेवन एट नाइन, एंड देन आपका यहाँ पे क्या होगा, वन वन करके इंक्रीज हो रहा है, तो ये होगा टेन, है ना। अब ये भी देख लोगे बाकी जो बच गया हुआ है, टेन देन एलेवन देन ट्वेल्व। अब ये नेक्स्ट वाला होता हमारा, यहाँ इसके बाद अगर पूछता तो क्या होता, थर्टीन होता, बट ये नहीं पूछा है आपसे, यही पूछा है, तो ये किसके लिए आएगा, सेवन एट नाइन एंड देन टेन, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ दिया हुआ है क्या, 36, 34, 30, 28, 24 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे कि अब ये नंबर जो है 36, 34, अब ये सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। जब डिक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करके हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हो या फिर इधर से माइनस कर, जैसे आपकी इच्छा। तो यहीं से माइनस कर देते हैं हम लोग, इससे माइनस करेंगे तो ये कितने का हो रहा है, यानी इधर हो गया आपका 4, देन इससे अगर करते हैं तो ये 2, देन इसका गैपिंग अगेन ये हो गया आपका 4, देन इससे करते हैं तो ये हो गया 2, ठीक है। तो पहला जो माइनस हुआ 2 का माइनस हुआ, देन 4 का माइनस हुआ, देन 2 का माइनस हुआ, अगेन 4 का माइनस हुआ, तो ये एक सीरीज चला, सब्ट्रैक्शन हो रहा है कितने कितने का, 2 4 2 4 करके ना। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगेन 2 माइनस होगा, है ना। तो फिर 2 माइनस करोगे तो 24 से 2 आप माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 22, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है क्या, 53 53, 40 40, 27 27। तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे ये 53 53 दो बार है, उसके बाद 40 40 दो बार है, फिर 27 27 दो बार है, है ना। बट आपसे एक ही पूछ रहा है, दो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब 53 से ये 40 कैसे आया ये पता लगाएंगे, उसके बाद ये 40 से 27 कैसे आया ये पता हमको लगाना है। तो अब ये अगर 53 से 40 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी डिक्रीज होगा तो हम लोग माइनस करके चेक करेंगे। तो 53 माइनस 40, 53 माइनस 40 आप करोगे तो ये आपको मिला 13 का, है ना। फिर 40 से 27 को माइनस करेंगे, 40 से 27 माइनस करेंगे तो ये भी हो गया आपका 10 3 13, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो अभी मेरा आंसर क्या होगा, 27 से हम क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 1, यानी 14 हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये रीजनिंग का जो जूनियर असिस्टेंट में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये नंबर सीरीज़ मैंने टॉपिक करवा रहा हूँ, इसके बाद और रीजनिंग में जैसे अभी आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे आप चेक करके आप देख सकते हो आप कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो किस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 9 देन 11 एंड देन 33, उसके बाद 13 15 देन अगेन 33, उसके बाद 17, और ये दो क्वेश्चन मार्क अभी दो फाइंड करना है, दो नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे 33 और एक जगह और आपको कहीं दिखा होगा ये 33, तो ये दो बार 33, यानी अब इन दोनों का गैपिंग देखोगे 9 2, यानी 9 2 11 होगा, तो इन दोनों का गैपिंग भी क्या हो रहा है, दो का गैपिंग है। तो यहाँ भी कितने का गैपिंग होगा, दो का ही गैपिंग होगा, ठीक है, ये तो पता लगा लिया आप अच्छे। तो यानी हर तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे 33 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे 33 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे क्या होगा आपका 33 ही होगा। तो लास्ट नंबर भी आपको पता चल गया, इसकी प्लेस में आपका क्या होगा 33 होगा, ठीक है। अब बचा आपका ये फाइंड करना, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ देखोगे 33 के इस साइड दोनों नंबर के बीच में गैपिंग कितने का है, दो का गैपिंग है। उसी तरह से 33 के ये पहले दो जो नंबर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो 33 अब यहाँ होगा और यहाँ एक तो दिया हुआ 17
और यहाँ क्या होगा, 19 को रखेंगे अगर हम लोग तो 19 माइनस 17 करेंगे तो 2 का डिफरेंस होगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 19,33, जो कि ऑप्शन नंबर है 19,33, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है कि 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन में दो दो फाइंड करना है। तो यहाँ ऑप्शन में भी दो दो दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शन है। तो अब ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 8 के बाद 12, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, देन अगेन डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो मैंने बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज अगर कंटिन्यू हो तो करना क्या है, हमें लेना है अल्टरनेट सीरीज, यानी एक को छोड़ के। तो 8 को कंपेयर करेंगे हम लोग एक को छोड़ के 9 के साथ, फिर एक को छोड़ के 10, फिर इसको छोड़ के 11। यानी आपको पता चल रहा होगा अभी कि ये जो है आपका 8, 9 एंड देन 10, उसके बाद 11 एंड देन अगेन 12। तो इस प्लेस, इसके एक को छोड़ के यहाँ पे, तो इसके प्लेस में क्या होगा, 12 होगा। एक मुझे मिल गया, है ना। तो लास्ट वाला ऑप्शंस मिला कि ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन होगा इसका, तो लास्ट वाला नंबर आपको मिला कि 12 होगा। उससे पहले वाला हम फाइंड करेंगे अभी, तो उसको कंपेयर किससे करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे 12, 13, 14, अब आप नंबर वन करके इंक्रीज हो रहा है, 12, 13, 14 एंड देन अगेन 15। तो ये हो गया आपका 15। तो आंसर हो गया 15,12, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 1, 3, 6, 11, 18 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि अब ये देखोगे कि नंबर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना, गैपिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का गैपिंग हम लोग निकालेंगे, 3 - 1 करेंगे तो ये 2, 6 से 3 को माइनस करेंगे तो ये अगेन आ गया आपका 3, देन 11 से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 5, देन 18 से 11 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 7। अच्छा, देन अब ये आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है 2, 3, 5 एंड 7, ये आपको डिफरेंस मिला कितने का, 2, then 3, then 5 और ये 7। तो 2, 3, 5, 7 ये कैसा नंबर है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा। अगर नहीं पता है तो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये बोला जाता है इसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मींस अ नंबर विच इज़ डिविजिबल 1 इटसेल्फ, कोई भी नंबर अगर खुद से डिवाइड हो जाए, और 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, है ना, तो खुद से डिवाइड होंगे। तो ये देखोगे, ये जो 2 है 1 से डिवाइड होगा और 2 से ही डिवाइड होगा, 3 भी, और कोई हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा, 5 का भी सेम ही है, 7 भी सेम है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका होगा 11, ठीक है। इसके बाद क्या है, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 11। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपका कितने का होगा, 11। तो इस 11 को यहाँ क्या करेंगे, 8 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 819 एंड देन 112, यानी 29, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो प्राइम नंबर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज पे, और ये आने के चांसेस भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है कि 1, 2, 6, 15, 31 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखोगे तो ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस को निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे 1, 2, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये होगा 1, और इन दोनों का गैपिंग आप निकालोगे तो ये हो गया आपका 4, अब ये हो गया आपका 4 यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस को निकालें तो ये हो गया 9, ठीक है। अब फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस को निकालें, 31 से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 6, यानी हो गया 16, ठीक है। तो आप ये जो डिफरेंस जो है, आप देखोगे कि 1, 4, 9, 16 एंड देन क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क मीन्स ये आपको फाइंड करना है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। कितने का है, तो 1 तो किसी का भी स्क्वायर, कोई भी पावर लगा दो 1 ही होगा, बट हम लोग स्क्वायर के सेंस में काम कर रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर ही लेंगे। 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर एंड देन ये हो गया आपका 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाला कितना का होगा, ये हो गया कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी 5 स्क्वायर।
तो फाइव स्क्वायर क्या होगा आपको पता होगा, फाइव स्क्वायर दैट मीन्स 25। तो इस 25 को 31 के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो के आ रहे हैं। तो 31 को हम लोग क्या करेंगे 25 के साथ प्लस करेंगे, ये हो गया 516 और ये हो गया 235, यानी आंसर हो गया 56 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो आई थिंक क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये 225 136 91, अब इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ये सारे नंबर क्या है, ये एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अब इस ये कितने का स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर होगा, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर, एंड देन ये हो गया 3 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 स्क्वायर। स्क्वायर काम कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर ही ले लेंगे। तो अब यहाँ से देखोगे, अब ये डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस 5 का है, इसके बाद डिफरेंस कितने का है, तो ये हो गया आपका 4 का डिफरेंस, है ना। ये अगेन 3 का डिफरेंस, अगेन 2 का डिफरेंस, यानी 1-1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो डिक्रीज जब हो रहा है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग जो डिफरेंस होगा कितने का होगा, 1, तो 1-1 करोगे तो क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर होना चाहिए, 0 का स्क्वायर ही होगा, तो 0 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आंसर सी, ठीक है। इस सेंस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, और एक प्रोसेस है इसे फाइंड करने का, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो गया 225, ये 100 ये डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो ये इससे इसको आप जब माइनस करोगे तो 225 से 100 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 125, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी 100 से 36 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 64, एंड देन इन दोनों का डिफरेंस, अब ये है आपका 36 से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये 9 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। तो नेक्स्ट अभी हमको पता नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। तो ये तो एक क्यूब नंबर है, कितने का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है ना। ये कितने का क्यूब होगा, 64, 4 का क्यूब, ये हो गया 27, 3 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब। तो नेक्स्ट वाला कितने का क्यूब होगा, 1 का क्यूब, तो 1 क्यूब मीन्स कितना होगा, 1। तो इस 1 को क्या करेंगे, हम लोग माइनस करके आ रहे हैं, तो इस 1 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1-1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस प्रोसेस से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उससे मैं इजी प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, डायरेक्ट आपका आंसर 0 ही आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 08614 क्वेश्चन मार्क एंड देन 20, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे 0 के बाद 8, ये हो गया बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, देन अगेन डिक्रीज, अगेन इंक्रीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब इंक्रीज और डिक्रीज जब होगा तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट सीरीज लेना, यानी एक को छोड़ के, यानी इसको काउंट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसको, एक को छोड़ के इसके साथ, फिर ये छोड़ के इसके साथ, यानी ये आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, 6 का, ठीक है। अब हमें ये कितने का होगा, अब ये हम पता लगाने के लिए हमें जो और एक जो बचा हुआ है जो सीरीज, यानी ये जो है 8, 14 एंड देन 20, इसको पहले हमें कंपेयर करना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 8, 14 एंड देन 20, तो कितने का गैपिंग है, 14 से 8 को अगर माइनस करें यानी 6 का गैपिंग है, ठीक है, 6 का गैपिंग। देन अगेन 20 से 14 को माइनस करेंगे तो ये अगेन 6 का। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, यानी गैपिंग जो होगा 6-6 का हो रहा है। तो ये हो गया 6, अगेन इसके साथ 6, यानी यहाँ क्या रखेंगे हम, 12 रखेंगे। तो 12 से 6 माइनस करेंगे तो गैपिंग कितने का होगा, 6 का होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ दिया हुआ है क्या, 7, 8, 18, 57 क्वेश्चन मार्क एंड देन 1165। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो नंबर को देख रहे हो, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो ही रहा है, बट ये अचानक से बहुत बड़ा नंबर हो गया। जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो आपको सोचना होगा कि मल्टीपल सीरीज होगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस नहीं करना होगा, मल्टीपल चेक करना होगा। तो 7 से 8 अगर मल्टीपल में देखे तो 7 को 1 से इंटू कर दे, और 7 1 जा 1, 7 1 जा अगर 1 करेंगे तो हमारा हो गया 7, प्लस 1 कर दे तो ये 8 होगा, है ना। तो ठीक है, अब 8 से हमें लाना क्या है, 18 लाना है। तो 8 को
टू से इंटू कर दे तो ये टू जा 16, और इसी टू को ऐड कर दे तो ये हो गया 18। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हमें 18 से 57 लाना है। तो 18 को क्या करें, अब यहाँ के किससे इंटू किए, 1 से ऐड इंटू करके 1 ऐड किए, 2 से इंटू करके 2 ऐड किए, तो नेक्स्ट क्या करते हैं 3 से इंटू करके 3 ऐड करते हैं। देखते हैं ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं। 18 3 जा 54 प्लस 3 करेंगे तो ये हो गया 57। ठीक है, तो हमारा आपको पता चल गया सीरीज़ क्या हो रहा है। पहला इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, नेक्स्ट इंटू 3 देन प्लस 3, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा इंटू 4 प्लस 4। तो हम क्या करेंगे 57 को 4 से इंटू करके और प्लस 4 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो 7 4 जा 28 देन 2, ये हो गया 20 और ये हो गया 22, प्लस 4 करेंगे तो ये हो गया 232, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब ये आप चेक भी कर सकते हो, 232 को अगर नेक्स्ट वाला कितने से होगा 5 से इंटू करके और 5 प्लस करेंगे, तो 232 को अब चेक कर देता हूँ मैं, 232 को 5 से इंटू करोगे तो ये हो गया आपका 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1 2 11, अब 5 ऐड करोगे तो 1165 जो कि है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, आज मैंने नंबर सीरीज यानी अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर से, मैंने उसका आज रीजनिंग के टॉपिक नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करवाए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।